mean, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, there's no to doubt about it. क्योंकि बहुत सालों से ये सपना देखा था मैंने कि एक दिन मैं मिस्टर इंडिया बनूँ, और जब ये डिक्लेयर हुआ बता नहीं सकता कितने अमाउंट की खुशी थी. शायद इतनी खुशी कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी मैंने. बट एट द सेम टाइम टाइटल जीतते से ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि इसके पहले जो मैं कर रहा था वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था, और टाइटल जीतते से ही मेरी देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. वेल, दिस गोज़ बैक टू 2006 व्हेन आई वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड. और मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से आता हूँ जिसका नाम है परभनी, और वहाँ पे एक लोकल पैजेंट हो रहा था जिसका नाम था मिस्टर परभनी. तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और 2006 में मैं उसका विनर रहा था. तो उसी टाइम पे एक मैंने सपना देख लिया था, अब जो मैं मिस्टर परभनी बन गया हूँ तो एक दिन मिस्टर इंडिया ज़रूर बनूँ. सो इट स्टार्टेड बैक देन, एंड 11 साल लग गए ड्रीम पूरा होने में, बट आई एम ग्लैड कि जो सपना मैंने देखा था वो पूरा हुआ. वेल, अभी जो मैंने अपने पिछले आंसर में आपको बताया, जब मैं छोटे शहर परभनी से आया था तो जब भी मुझसे कोई बात करता था तो तुरंत पहचान लेते थे कि अरे आप शायद परभनी एरिया के या मराठवाड़ा एरिया के हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपके हिंदी में या आपके इंग्लिश में भी इनफैक्ट वो टोन आता है. तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज आई वुड फील इन द इंडस्ट्री. तो मैंने अपनी एक्सेंट को सुधारा, मैंने अपने बोलने के तरीके लहजे को सुधारा, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया. अलॉन्ग विद दैट, यू नो, जब आप छोटे शहर से आते हो तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए, उससे हेल्दी कोई चीज़ नहीं हो सकती. तो ये सारी चीज़ें जब आप बड़े सिटी में आते हो आपको रियलाइज़ होती है, अरे ये सही नहीं है. आपको छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटर करनी है, अपनी कैलोरी काउंट मॉनिटर करना है, अपना फैट आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें मॉनिटर करनी है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो, उन पे गौर करते हो, और फिर वो उनको अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करते हो. तो आई थिंक मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है. नॉट टू फॉरगेट, मेरी इंग्लिश जब मैं शहर से आया था वॉजंट रियली नाइस, तो आई रियली वर्क हार्ड ऑन माई ग्रामर एंड माई एक्सेंट फॉर श्योर. स्ट्रगल और मेहनत तो डेफिनेटली आपने बहुत सही बात बोली है कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. तो जब मैं छोटे सिटी से बिलोंग करता था, और यू नो, छोटे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स होते हैं, एक्सपोजर कम होता है, भले ही वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, तो द वे यू आर ब्रॉट अप इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू आर ब्रॉट अप इन द सिटीज़. बट ऑफकोर्स आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर गौर करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर लाइफ स्टाइल, द वे यू ईट, योर डाइट, योर वर्कआउट रूटीन, अलॉन्ग विद दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एक्सेंट हो गया, आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू पीपल. सो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम यूजुअली सोचते नहीं हैं, बट जब हम इंडस्ट्री या कैमरा फेस करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे में कितनी खामियाँ हैं जो हमें सुधारनी है. सो दैट रियली टेक्स time and hard work and consistency.